हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नारियल के लड्डू बना रहे हैं, जो खाने में और बनाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हम घर के नारियल से बनाएंगे, इनको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने कुछ घर पे ही नारियल लिए हैं, जिनको हम खोपरा भी बोलते हैं। मैंने उनको ग्रेट कर लिया है, ग्रेट करके मैंने रख लिया है। अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने आधा लीटर दूध डाल लिया है। दूध को हम गर्म होने देते हैं, इसमें चीनी भी हम अभी डाल देंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने 150 ग्राम चीनी डाल दी है। अब हम चीनी को भी मेल्ट होने देंगे और इसको थोड़ी देर गर्म होने देंगे। हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल दूँ ताकि कलर से लड्डू बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप बिना कलर के भी बना सकते हैं। हमने इसमें ऑरेंज कलर डाला है। अब कलर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को मैंने अब लो फ्लेम पे कर रखा है। कलर अच्छे से दूध में मिक्स हो गया है। अब हम जो ग्रेट करके रखे थे नारियल, उसको इसमें डाल देंगे। आपके पास घर पर नारियल बच जाते हैं तो आप बचे हुए नारियल के ऐसे लड्डू बनाकर खा सकते हैं। नारियल वैसे कोई काम में आता नहीं है, इसलिए हम लड्डू बना के खा सकते हैं। ये बच्चों को भी अच्छे लगेंगे। अब हम नारियल को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आप ये लड्डू ज़रूर बना कर खाइए। हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर बाद में दूध बिल्कुल सूख जाएगा इसका। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसका नारियल में दूध सूख गया है। अब मैं इसमें एक कटोरी मिल्क पाउडर डालूँ। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छे लगेंगे, आप बिना मिल्क पाउडर भी बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं हो तो। मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावे का टेस्ट आएगा। अगर आप मावा डालना चाहे तो मावा भी डाल सकते हैं इसमें। अब मिल्क पाउडर को भी अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर रखा है अभी भी। हम दूध को इतना सुखा लेंगे कि बस हमारे लड्डू बनने के लिए तैयार हो जाएं। बस इतना ही दूध रखेंगे हम इसमें, बिल्कुल सुखा लेंगे इसको। अब हम इसमें 2 चम्मच घी के और डाल देते हैं ताकि लड्डू हमारे और भी टेस्टी बन जाएंगे। अब थोड़ी सी इलायची भी डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपका नारियल ज़्यादा सूखा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल लें। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमने गैस बंद कर दी है और अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमारा नारियल का मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आप छोटे छोटे लड्डू बनाकर रख लेंगे। ये लड्डू बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्ट लगेंगे। आप एक बार ज़रूर लड्डू बनाकर देखें। ऐसे आप सारे लड्डू बनाकर रख लेंगे।
हमारे नारियल के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी से घर पर ज़रूर नारियल के लड्डू बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए।